मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मूसलाधार बारिश में मुंब्रा, सिलफाटा और भिमंडी की सड़कों पर पानी भरने की खबर सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित घर के सामने पेड़ गिरने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज बारिश मानो लोगों के लिए आफत बन गई है। मुंब्रा वाई जंक्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां घुटनों तक पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से इसी पानी से होकर लोगों का आना जाना हो रहा है। और यहां पर कुछ कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो पानी जाने वाले रास्ते पर कचरा जमा हुआ है उसे हटाने का काम ये कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं आज सुबह सिलफाटा रोड की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये पुराना मुंबई पुणे रोड की तस्वीर है, जहां निचले इलाकों में तेज बारिश होने की वजह से जल जमाव हो गया है। कल्याण फाटा से सिलफाटा वाले रास्ते पर यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी पानी भर गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका भिमंडी का है। यहाँ पर दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से तीन बत्ती भाजी मार्केट में घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। भाजी विक्रेता और ख़रीदार दोनों ही पानी की वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्जी और भी घर के सामान लाने के लिए इन्हें पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। इसी तरह से आपको बता दें कि CM एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित घर के पास में तेज बारिश होने की वजह से एक पेड़ गिर गया है। हालांकि पेड़ गिरने की वजह से किसी के हाथ होने की खबर नहीं है। NDRF की टीम रास्ते से पेड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया है।